चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप लोगों को आवाज आ रही है और स्क्रीन नजर आ रही है, बताएगा कोई सर को? आ रही। चलिए चलिए हम इस दुआ के साथ कि हम कुछ सीख सकें और अपने इल्म में इजाफा कर सकें। तो हम यहाँ पर थे हाई क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, और हमने ये दो चीजें लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि इनकंसिस्टेंट क्या होता है और इनकम्प्लीट क्या होता है। और ठीक है, तो रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी चाहिए और रिक्वायरमेंट में कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। कंसिस्टेंट क्या है कि हर आदमी वही रिक्वायरमेंट बता रहा है जो जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। इनकंसिस्टेंसी कब आती है? जब एक डिपार्टमेंट कुछ और बता रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट कुछ और बता रहा है, या एक साहब कुछ और बता रहे हैं, दूसरे साहब कुछ और बता रहे हैं। इसका मतलब है प्रोसेस यूनिफॉर्म नहीं है। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोसेस यूनिफॉर्म चाहिए। इनकंसिस्टेंसी इनकम्प्लीट ये है कि जनाब जब तक आप रिक्वायरमेंट कम्प्लीट होगी तो आप टेस्ट केस बना सकेंगे, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब आप फंक्शनैलिटी लिखते हैं तो फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, जिसको आप यूनिट टेस्ट कहते हैं। तो वो तभी होगी जब रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, तो ठीक है। तो ये गुड क्वालिटी रिक्वायरमेंट हम लास्ट में पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर? कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही थी, पढ़ा था मेरी, देखिए आप लोगों से फिर सजेशन ये है कि आप लोग दोबारा से पढ़ लिया करें जो सर ने पढ़ाया उसको, 15 मिनट आधा घंटा, और नोट्स ले लिया करें क्लास में, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। ये टिपिकल स्टेक होल्डर्स हैं, ये डेवलपमेंट टीम के हैं, ये एक्सटर्नल हैं। डेवलपमेंट टीम में बिजनेस एनालिस्ट या रिक्वायरमेंट इंजीनियर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, और टेस्ट इंजीनियर टेस्ट करता है। सब्जेक्ट मैटर SMEs, इसको डोमेन एक्सपर्ट भी कहते हैं, फंक्शनल चैम्पियन भी कहते हैं। तो डोमेन SME वो होता है जैसे डोमेन की अच्छी नॉलेज या डोमेन का चैंपियन, ठीक है ना। तो बिजनेस एनालिसिस के अंदर इसको डोमेन SME कहते हैं। यानी अगर आप सेल्स का सिस्टम बना रहे हैं तो ऐसा आदमी जो आपको कंसल्ट करके दे रहा है, रिक्वायरमेंट बता रहा है, जिसकी एक्सपीरियंस एंड नॉलेज बहुत अच्छी है, तो वो सेल्स का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो गया। इसी तरह से अगर आप सिस्टम बना रहे हैं परचेज का, नॉर्मली परचेज का जो हेड होगा वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, और ठीक है, तो वो फंक्शनल एक्सपर्ट हो गया या डोमेन एक्सपर्ट हो गया। फंक्शन भी कहते हैं उसको और डोमेन भी कहते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मली अब लेटेस्ट किताबें मिलेंगी वो आपको फंक्शन नहीं कहेंगे, वो आपको डोमेन कहेंगे। इम्प्लीमेंटेशन SMEs, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए, इम्प्लीमेंटेशन SMEs वो हैं, अगर आपको आपने IBM की टर्मिनोलॉजी सुनी हो, IBM ने एक प्रोसेस निकाला था जो वाटरफॉल जैसा ही था, लेकिन कोडिंग को वो इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, ठीक है ना। जहाँ आप प्रोग्रामिंग लिखते हैं, रिक्वायरमेंट डिज़ाइन डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट को वो इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जो इम्प्लीमेंटेशन में रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करने लगे हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन SMEs कहते हैं, ठीक है। तो आपकी डेवलपमेंट टीम और आर्किटेक्ट के जो लोग हैं वो इम्प्लीमेंटेशन SMEs कहलाते हैं। ये टर्मिनोलॉजी है, इसको कहीं आपको समझ में आएगा, कहीं जब प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो इस्तेमाल हो रहा होगा, ठीक है। एंड देयर आर चेंज एजेंट्स, वी चेंज एजेंट्स जो है ना वो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन के वो लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपना इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट यूज करते हैं। वो BA भी हो सकते हैं, वो फंक्शनल हेड भी हो सकते हैं, वो स्पॉन्सर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर बन गया है लेकिन लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, या बन गया है तो उनको इस्तेमाल करना नहीं आता, या कोई और वजह है, या डेटा नहीं है, या कोई और चीज़ है, तो ये वो लोग हैं जो उसको हेल्प आउट करते हैं। राइट साइड पर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये एक्सटर्नल होते हैं, रेगुलेटर। रेगुलेटर कौन है? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ बैंकिंग के लिए, तो स्टेट बैंक इज अ रेगुलेटर। तो अगर मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो देर आर सर्टेन फंक्शनैलिटी जो स्टेट बैंक को चाहिए होती है,
तो वो यूजर बताए ना बताए, लेकिन एज ए बैंकिंग एक्सपर्ट मुझे मालूम होना चाहिए स्टेट बैंक, तो वो रिक्वायरमेंट बन जाती है आपकी। वो कस्टमर नहीं बता रहा, लेकिन एज एन स्टैंडर्ड ऑफ द कंप्लायंस रेगुलेशन वो आपको चाहिए चाहिए। फॉर एग्जांपल बैंकिंग का अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है स्टेट बैंक की कि जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ATM से और ATM में कोई गया और वो ख़राब है तो वो रिपोर्ट स्टेट बैंक को आपको देनी चाहिए। एक घंटे से ज़्यादा ATM ख़राब नहीं होना चाहिए। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो इसी तरह से डेटा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, उसका मोबाइल फ़ोन उसका पर्सनल डेटा कहीं और एक्सेस नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, कुछ जो गाइडलाइंस हैं तो वो रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। स्पॉन्सर तो जैसी वजह उसने पैसा दिया है वो आपको सक्सेस एक्चुअल फंक्शनैलिटी नहीं बता रहा होगा लेकिन कोई चीज़ बताएगा। तो ये स्टेक होल्डर्स हैं, सप्लायर है, कस्टमर है, एंड यूज़र है। तो नॉर्मली कस्टमर और एंड यूज़र से तो आप पूछ ही रहे होते हैं, लेकिन एंड यूज़र के अलावा स्पॉन्सर भी है एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट देने वाला या समझाने वाला या बताने वाला। इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, बिजनेस ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो रिक्वायरमेंट के अंदर शामिल होंगे। तो नॉट ओनली द एंड यूज़र कि बताइए क्या बनाना है, हम देखेंगे हम कहाँ गलतियाँ करते हैं, हम जाते हैं एंड यूज़र के पास और उससे पूछ लेते हैं। जाना चाहिए लेकिन उसको ट्रेस बैक होना चाहिए फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। अभी मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है, लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट से शायद समझ में आ जाएगा। ये देखिए ज़रा पढ़ी फिर मैं समझाता हूँ गलती कहाँ होती है हमसे। ठीक है, अच्छा ध्यान में रखिए, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और हमने सॉफ्टवेयर बना के कस्टमर को फायदा पहुंचाना है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं वैल्यू देना या बेनिफिट पहुंचाना, ठीक है ना। मैंने 1 करोड़ का सॉफ्टवेयर दे के उनके महीने के 10 लाख रुपए बचा दिए, तो 10 लाख रुपए या 8 लाख रुपए बचने से 10 महीने में या साल भर में उस मेरे सॉफ्टवेयर की कीमत हो जाएगी। वैल्यू दे रहा हूँ मैं, फायदा पहुँचा रहा हूँ, ठीक है। तब ये जहन में रखिए कि फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन को, वो ऐसे नहीं लेती है, कोई वजह होती है सॉफ्टवेयर लेने की, उसके बेनिफिट होते हैं, उसके एडवांटेज होते हैं, उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा हम क्या करते हैं, हमने क्योंकि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर नहीं पढ़ी हुई तो हम जाते हैं कस्टमर के पास। बिल्ट एंड फिक्स में क्या होता था, हम जाते थे कस्टमर के पास और पूछते थे कि क्या है बताइए, रिक्वायरमेंट बताइए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट पूछते थे ना कि भाई क्या बनाना है, और हम बना देते थे। हमें पता ही नहीं था कि डिपार्टमेंटल हेड क्या सोचता है, और हमें पता नहीं था कि ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्या सोचता है, ठीक है। हम यहाँ जाते थे बिल्ट एंड फिक्स में, याद है आपको, एक प्रोग्रामर होता था और यूज़र के पास जाता था बताइए क्या बनाना है। ये पूछना तो ज़रूरी है लेकिन इसको ट्रेस बैक होना फ्रॉम द बिजनेस ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द यूज़र, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये रिक्वायरमेंट यहाँ से ट्रेस होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट यहाँ से ट्रेस होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि अगर मैं सेल्स का सिस्टम बना रहा हूँ तो सेल्स की फंक्शनैलिटी और सेल्स की रिपोर्ट और सेल्स में क्या चाहिए वो मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं पूछूंगा सेल्स में मसला क्या है। जो जिस आदमी ने मुझे बुलाया है कि सेल्स का सिस्टम बनाना है और मैंने आपको 3 महीने 4 महीने दिए हैं और आपको मैं 15 लाख रुपये दे रहा हूँ या 50 लाख रुपये दे रहा हूँ, वट एवर, तो ये स्पॉन्सर है मेरा, ये जो ऊपर बैठा हुआ है ना, ये बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है, इसने मुझे बुलाया होगा तो मुझे बताएगा ये मसला हल करना है। वो मसला क्या है वो बताएगा, तो खाली फंक्शनैलिटी तो खैर ठीक है लेकिन मेरा मसला हल होना चाहिए तो मुझे वैल्यू मिलेगी। ये बात समझ में आ रही है, आप फंक्शनैलिटी को ऑब्जेक्टिव से या बिजनेस ऑब्जेक्टिव से या बिजनेस प्रॉब्लम से रिलेट कर पा रहे हैं कि वो फंक्शनैलिटी तो चाहिए। हो सकता है कि मैंने यूज़र से मिला हूँ, मुलाकात की हो, और जो प्रॉब्लम है वो मैंने एड्रेस ही नहीं किया, मैंने सॉफ्टवेयर बना के दे भी दिया, चल भी रहा है, लेकिन वो मसला तो हल हुआ नहीं। तो डू यू थिंक ऑर्गेनाइजेशन विल हैव द वैल्यू, कोई बेनिफिट होगा, फायदा होगा, तो बताएगा सर को। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, मतलब कैन आई एक्सप्लेन द इश्यूज हियर, मैं समझा पाया हूँ कि मसला क्या है या नहीं समझ में आया, सर का सवाल ही समझ में नहीं आया, कोई बताएगा कि सर का सवाल समझ में आया है नहीं आया है। कोई क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना तो सर को समझ में नहीं आएगा कि कहाँ मसला क्या है। चलिए खैर बहरहाल आप लोग जवाब नहीं दे रहे तो मैं आगे चलता हूँ। बिजनेस रिक्वायरमेंट होती क्या है, ठीक है।
चले मैं यहाँ से रोकता हूँ, मैं आगे जाता हूँ। ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है कि फीचर्स क्या हैं, कैपेबिलिटीज क्या हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसको रिलेट करना है मुझे यहाँ से, ठीक है। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट है क्या, मुझे स्पॉन्सर ने बुलाया है कि मुझे एक सेल्स का सिस्टम बनाना है, ठीक है। तो मैं पूछता हूँ मसला क्या है, ठीक है। तो मेरे एक ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ ने बुलाया या चेयरमैन ने बुलाया, स्पॉन्सर होगा ना वो, ये पढ़ लें आप, ये चले पढ़ लें, फिर मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब। ठीक है, अब मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया है जनाब के मुझे सेल्स का सिस्टम ऑटोमेट करना है। तो मैं सेल्स के लोगों से जाके पूछूंगा रिक्वायरमेंट क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो मैं बना दूंगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि अभी फंक्शनैलिटी नहीं नोट करनी है, पहले स्पॉन्सर जिसने बुलाया है उससे मिलना है और मुझे पूछना है क्यों बुलाया आपने, व्हाट इज़ द इशू, प्रॉब्लम है क्या जो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सॉल्व कराना चाह रहे हैं। तो उसने बताया है जो सबसे नीचे लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, कि जनाब हमारी डिसीशन मेकिंग वीक है, यानी हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारी दुकान में फलानी चीज़ मौजूद है कि नहीं है, हम फैक्ट्री से मंगाते हैं। तो उसने कुछ चीज़ें बताई 15 मिनट में। तो कह लेंगे बाज़ औक़ात हमारे पास एक चीज़ होती है दूसरी दुकान में और हम वहाँ बिक नहीं रही है, जहाँ बिक नहीं रही है वहाँ पहुँचा नहीं सकते हैं। तो अगर ऑटोमेशन होगी तो हमें मालूम होगा कि वो फलानी चीज़ मांग रहा है जो कि हमें फैक्ट्री से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और बराबर में या थोड़ी सी दूर दुकान है वहाँ से हम भेज देंगे उसको। तो बिकॉज़ हमें पता नहीं चलता है और हमें 3 दिन बाद पता चलता है तो हमारी सेल्स जो है ना वो ड्रॉप होती है, सेल्स हम नहीं कर पाते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन या डिसीजन मेकिंग पुअर है बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये मसला है, बात समझ में आई, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का। तो फिर हम जाते हैं सेल्स के लोगों से पूछते हैं, डिपार्टमेंट से, ये चेयरमैन ने बता दिया हमें। तो फिर हम उनसे पूछते हैं भाई मसला क्या है, तो वो बताते हैं मसला क्या है कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये उन्होंने बताया, जरा पढ़िए। अब ये डिपार्टमेंट के लोगों ने बताया, पहले तो चेयरमैन साहब ने बताया कि भाई ये मसला है, मेरी सेल्स जो है ना वो 1 करोड़ से ऊपर नहीं जा रही है, उसको तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख 40 लाख होनी चाहिए, 1.5 करोड़ के करीब करीब होनी चाहिए, लेकिन वो आगे नहीं जा पा रही है। तो सेल्स के लोगों ने बताया कि जनाब ये मसला है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाए 5 बजे तो दूसरे दिन हम अपनी सेल्स कर सकें, ठीक है ना। तो वी नीड टू हैव सेल्स, उसने 6 चीज़ें बताई हैं, स्टॉक आइटम, कैश डिपॉजिटेड और क्रेडिट सेल्स और ये और ये और वो। तो ये चीज़ें अगर हमें 3 दिन बाद मिलती हैं, हमें डेटा आता है, फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, हमारे पास पूरे पाकिस्तान में 65 ब्रांचेज हैं जिनसे हम फलानी चीज़ें, ठीक है ना, फूड प्रोडक्ट्स बेचते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल डिफेंस में फलानी चीज़ बिकने वाली है लेकिन वो उसके पास ख़त्म हो गई है, वो ख़त्म होगी तो ऑर्डर देगा और फैक्ट्री से आएगी, लेकिन एक और जगह दुकान थी जो करीब में ही थी और वहाँ वो उसको उससे नहीं बिकी या उसके पास ऑर्डर नहीं था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ आइटम तो वहाँ से बिक जाएगी, ठीक है, बात समझ में आई। अब हम जाएंगे कि चाहिए क्या, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, तो व्हाट आर द कैपेबिलिटीज, व्हाट आर द फंक्शनैलिटीज़। बात समझ में आ रही है कि हम ऊपर से नीचे आएंगे, यानी फंक्शनैलिटी पे कब जाएंगे, पहले हमें मालूम होना चाहिए हमें प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना है, फिर हमने डिटेल ले ली स्टेक होल्डर से, फिर हम जाएंगे फंक्शनैलिटी यानी यूज़र के पास। याद है मैंने बताया था 3 तरह की रिक्वायरमेंट होती है या 3 लेवल होती है रिक्वायरमेंट की, एक स्पॉन्सर होता है वो मसला बताता है या बिजनेस ऑब्जेक्टिव बताता है या प्रॉब्लम बताता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब नीचे जाते हैं तो फिर डिपार्टमेंट के हेड क्या करते हैं, कंट्रोल्स बताते हैं, प्रॉब्लम्स बताते हैं, फिर आते हैं आखिरी चीज़ पे फंक्शनैलिटी चाहिए क्या, ठीक है। तो फंक्शनैलिटी पे डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं कि यानी स्क्रीन चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, फिर एक रिपोर्ट चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, और हम एरिया की रिपोर्ट देख सकें, हम रीजन की रिपोर्ट देख सकें। लेकिन रिपोर्ट में क्या होना चाहिए जनाब, 4 चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से आइटम हैं और कौन कौन सा स्टॉक है और कितना ऑर्डर हो गया है, कितने पैसे आ गए हैं, कितने पैसे नहीं आए, ये सारी चीज़ें जो सेल्स के रिलेटेड होती हैं। तो बात समझ में आ रही है कि रिक्वायरमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स। याद आया सर ने कहा था रिक्वायरमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल।
तो बहुत सारी बातें जो सेल्स के बारे में सर ने कही हैं, स्पॉट सेलिंग होती है, ऑर्डर बुकिंग होती है, शायद आपकी समझ में ना आए, लेकिन ऐसा आदमी इसने सेल्स में काम किया हो या सेल को पढ़ा हो, तो ऐसा आदमी इसको सेल्स की नॉलेज होगी, वही जाके रिक्वायरमेंट ले सकता है। लेकिन ऐसा आदमी जिसको डेटाबेस पढ़ी हो और जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो, वो शायद सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं ले सकता। तो अब शायद बात याद आई हो कि रिक्वायरमेंट लेने के लिए डोमेन की नॉलेज जरूरी है। अब वो लेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, फिर अपनी डेवलपमेंट टीम को देंगे, तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर बन पाएगा। वरना आप अच्छा सॉफ्टवेयर बना देंगे या बना देंगे सॉफ्टवेयर, लेकिन वो कस्टमर के किसी काम का नहीं, मतलब उसको वैल्यू नहीं दे रहा, उसको कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा। तो बात समझ में आ रही है कि ऑर्गेनाइजेशन इसलिए पैसे दे रही है आपको कि उनको कोई फायदा हो, कोई वैल्यू मिल सके। ठीक है, तो फिर हम आएंगे फंक्शनैलिटीज पे। ठीक है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, अब ये याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आपको मालूम भी होना चाहिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट नॉन फंक्शनल क्या होते हैं। फंक्शनल वो है जो फीचर्स चाहिए, जो फंक्शनैलिटी चाहिए, जो स्क्रीन चाहिए, उस पर ये होना चाहिए। नॉन फंक्शनल ये है कि मेरा सिस्टम जो है वो डाउन ना हो, मेरा सिस्टम जो है वो मेंटेनेबल हो, मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी हो। परफॉर्मेंस अच्छी हो, जब मैं एक रिपोर्ट निकालूं तो एक मिनट से कम में चल जाए। अब ये फंक्शनैलिटी नहीं है, परफॉर्मेंस है, एक्सेस टाइम है। ठीक है, तो अगर मेरे पास पुराना सर्वर है, कनेक्टिविटी है, तो वो रिपोर्ट तो बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन वो क्योंकि सर्वर बहुत पुराने हैं, 10 साल पुराने हैं या 6 साल पुराने हैं, तो इसलिए वो परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। एनवायरमेंट, ठीक है, सिस्टम अच्छा हो, ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, अगर ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। तो होगा क्या कि लोग जब सिस्टम चलाएंगे तो वो स्लो हो जाएगा क्योंकि सिस्टम खराब है। तो सोल्यूशन जो है वो कस्टमर को, तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी होती है। ठीक है सर, हमारे इलाके में तो लाइट बहुत बच जाती है, तो यहाँ तो चल ही नहीं सकता है, उसका मतलब है लाइट का इंतजाम होना चाहिए, या तो UPS घंटों चल सके या फिर जनरेटर। ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। सोल्यूशन यानी सिस्टम कब चलेगा, जब मेरे पास हार्डवेयर होगा, बिजली होगी और चलाने वाला होगा, और फिर सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है ना, तो अगर सॉफ्टवेयर है लेकिन मेरे पास सिस्टम नहीं है, बिजली नहीं है और चलाने वाला ट्रेंड स्टाफ नहीं है, तो कैसे चलेगा। समझ में आ रही है, तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। एनवायरमेंट, क्लियर हो रही है बात, नॉन फंक्शनल एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है भाई, तो बताएगा सर को। आ रही है समझ में, चलिए। अच्छा, एक बच्चा, इसका नाम है आयजन, तो ये क्लास पार्टिसिपेशन में तो इसको पूरे नंबर मिल जाएंगे, बाकी लोगों का क्वेश्चन मार्क है, बाकी लोग शायद सो रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग दैट क्लास पार्टिसिपेशन के अलग मार्क्स हैं, इस तरह मिड टर्म के हैं, क्विज के हैं, असाइनमेंट्स के हैं। ठीक है, तो हाँ, ये बस याद रखिए आपको कि क्लास पार्टिसिपेशन में आपको पार्टिसिपेट करना है, सोते नहीं रहना है, बस लॉग इन करके कहीं और घूमना नहीं है, सर की बातें सुननी है और जवाब देना है सर को। इट इज़ ए क्लास बाय द वे। ठीक है, अब उसकी एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। ठीक है, अब रिलायबिलिटी क्या है, फंक्शनैलिटी तो बता दी है, लेकिन सिस्टम ऐसा ना हो कि कभी चले कभी ना चले। ठीक है, कभी रिजल्ट दे रहा है कभी ना, तो इट शुड बी रिलायबल। उसकी डिज़ाइन, उसका आर्किटेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे जैसे सिविल इंजीनियरिंग में आपने यहाँ दरवाज़ा होना चाहिए, दरवाज़ा तो बना दिया है लेकिन वो दरवाज़ा खोलता हूँ तो हाथ में आ जाता है, और कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है, और उसका ये टूट जाता है, रंग उतर जाता है, मतलब रिलायबल नहीं है ना। तो क्वालिटी, फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है मेंटेनेबिलिटी। ये एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि सॉफ्टवेयर जब बनाया है तो सॉफ्टवेयर कम अज़ कम 10 साल 12 साल चलेगा। तो जब भी मैं आपसे कहूँ चेंज करनी है, इन्हांसमेंट करनी है, तो मुश्किल ना हो। ठीक है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका आर्किटेक्ट अच्छा नहीं है, जो डिज़ाइन अच्छा नहीं हुआ, वो मेंटेनेबल नहीं होगा। वो बना दिया है, एक दफ़ा चला दिया, बस इसमें चेंज नहीं हो सकती है। चेंज करेंगे तो धड़ाम से छत गिर जाएगी, पिलर गिर जाएंगे। तो यहाँ पर भी सर, डेटाबेस मैंने ऐसे बनाई है, इसमें 6 फील्ड हैं, ये 7वीं ऐड नहीं कर सकते, ऐड करेंगे तो सब वो चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करेंगे, स्क्रीन में भी करेंगे, फिर ये पूरा सिस्टम दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो ये मेंटेनेबल नहीं है, इसका आर्किटेक्ट नहीं, उसको क्लास की फॉर्म में नहीं बनाया, उसको ऐसा आर्किटेक्ट नहीं बनाया कि ठीक है, तो डेटाबेस इस तरह का नहीं है,
इसी तरह से वो हर स्क्रीन पे चेंज करना पड़ेगा सर, वो इंटीग्रेटेड है और बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो मेंटेनेबल नहीं है। ठीक है, तो मेंटेनेबल हो और टेस्टेबल हो, ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर ऐसा बना हुआ है जो आसानी से टेस्ट हो सकता है, उसकी फंक्शनैलिटी को समझना चेक करना आसान है, तो सिस्टम शुड बी टेस्टेबल, वरना तो उसको गो लाइव नहीं कर सकते। फिर सिक्योरिटी कोई नहीं बताएगा, अगर मैं किसी बैंक में गया हूँ तो बैंक नहीं बताएगा कि सिस्टम हाईली सिक्योर होना चाहिए, ये अलग रिक्वायरमेंट है। लेकिन आपको मालूम है कि अगर बैंक मुझसे रिक्वायरमेंट बना रहा है जो कि सॉफ्टवेयर पूरे पाकिस्तान में चलेगा या 6 कंट्रीज में चलेगा, तो जाहिर सी बात है इट शुड बी हाईली सिक्योर। ठीक है, तो ये अलग रिक्वायरमेंट है कि ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन बहरहाल एक शेल होना चाहिए जो सॉफ्टवेयर के ऊपर होगा, सिक्योर, हाईली सिक्योर इसमें। ठीक है, तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्लियर है, तो फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्लियर हो रही है, पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात हमने डिस्कस की है कि रिक्वायरमेंट ट्रेसेबल होनी चाहिए। ट्रेसेबल का मतलब अब हम थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, ट्रेसेबल क्या होगा। ठीक है, अब जरा ये डायग्राम देखिए, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, नॉन फंक्शनल है, जरा एक नज़र देख लीजिए। ये रिक्वायरमेंट यहाँ से शुरू होगी, बिजनेस रिक्वायरमेंट देखिए जो भी हमने पढ़ा, यूजर रिक्वायरमेंट, और फिर ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जरा ये पढ़िए फिर मैं समझाता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है ये रिक्वायरमेंट इससे ट्रेस होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट इससे ट्रेस, जरा देखिए इसको फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, अब आप एक फॉर एग्जांपल बिजनेस एनालिस्ट हैं या रिक्वायरमेंट इंजीनियर हैं, और मैंने आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी भेज दिया, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनी भेज दिया आपको, या इंश्योरेंस की कंपनी भेज दिया जहाँ आपने सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, तो आप जाके लोगों से रिक्वायरमेंट नहीं लेंगे, आप पूछेंगे कि जी आपको मसला क्या है, एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या मसला है, तो ये फंक्शनैलिटी देने के बाद वो मसला हल होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे अभी हमने सेल्स की बात की, हमने एक फैक्ट्री में गए तो उन्होंने कहा जी हमारा सिस्टम, फैक्ट्री नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में, फैक्ट्री उनके अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में, तो डिस्ट्रीब्यूशन ने कहा जी हमारी सेल्स वीक है। अच्छा जी, मसला क्या है, उन्होंने मसला बताया, फिर ये मसला हमने उनके डिपार्टमेंट के लोगों से पूछा, सेल्स के डिपार्टमेंट, ये चेयरमैन साहब हैं, चेयरमैन साहब ने बता दिया यार हमारी सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही है, सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही है, ये याद रखिए। ठीक है ना, तो अब ये चीज़ें देनी है जिससे ये मसले हल हो जाएं और सेल्स इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, तो अब यहाँ से डायरेक्ट पूछेंगे तो इस बेचारे को पता ही नहीं है कि सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही है, उनको बुलाया क्यों गया, वो तो समझेगा कि जी मुझे बताना है क्या करना है, तो ये जहन में रहे कि ये आदमी किसी और तरह से सोचता है, पैसे लगाता है, बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है, ये आदमी किसी और तरह से सोचता है, ये कंट्रोल करना चाहता है अपने स्टाफ को, चीज़ों को डायरेक्शन सही करना चाहता है, इनका लेवल अलग है, इनका सोचने का स्टाइल ये है बेचारा कि मुझे तो सेल्स करनी है, तनख्वाह लेनी है, महीना पूरा करना है, तो ये डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से सोचते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सिखा रहा हूँ इसलिए कि जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ह्यूमन नेचर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, ये बिजनेस एनालिस्ट का काम है। ठीक है, तो फीचर का मतलब है स्क्रीन कितनी होंगी, रिपोर्टें कितनी होंगी, ये वाली चीज़ है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, लेकिन इसको ट्रेस बैक होना चाहिए, इससे इसको ट्रेस बैक होना चाहिए। अब ये नॉन फंक्शनल में लगा लेते हैं। अब सेल्स फॉर एग्जांपल, अब ये बिजनेस रूल को समझते हैं, सेल्स हमने सेल्स करनी है, ये बता रहा है कि जनाब हम जाते हैं और स्पॉट सेलिंग करते हैं, जो वो खरीद लेता है वो हम दे देते हैं उसको और हम उससे पैसे ले लेते हैं। ऑर्डर बुकिंग में होता है कि जनाब हम ऑर्डर ले लेते हैं, फिर उसको डिलीवर करते हैं और उसको इनवॉइस कर देते हैं। हमने चीज़ें आज डिलीवर कर दी और उसको इनवॉइस कर दी। अब बिजनेस रूल ये है कि अगर 15 दिन तक उसके पैसे ना आए तो मजीद सेल्स रोक दो, दैट्स अ बिजनेस रूल। कहीं 15 दिन है, कहीं 30 डेज है, तो सिस्टम चेक करे जो सेल्स हुई है उसकी डेट को पंच कर ले और उसमें रिसीवेबल्स को या जो अमाउंट रिसीव होनी है उसी क्लाइंट से उसको चेक करता जाए। अगर 15 से ऊपर है तो सेल्स को रोक दे, ये दैट्स अ बिजनेस रूल। ठीक है, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना,
बिजनेस रूल अप्लाई होगा इस जगह पर। इसी तरह से क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो हमने पढ़े थे, एनहांसमेंट आसान होनी चाहिए, सिस्टम अप होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और मेंटेनेबल होना चाहिए, और ख़ास तौर से परफॉर्मेंस। ये चल तो रहा है सिस्टम, लेकिन परफॉर्मेंस सही होनी चाहिए, सिस्टम सही होना चाहिए। अब ये वाला आदमी इस लेवल पे क्या बताएगा कि जनाब कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, मैं ये करता हूँ तो ये नहीं हो सकता, इस सिस्टम में मुझे होना चाहिए, पुराने वाले सिस्टम में ये नहीं हो सकता था, ये कंस्ट्रेंट्स थे तो इस सिस्टम में ये होना चाहिए, तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में वो सारी चीज़ें बता देगा। तो दीज आर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है, यानी वक्त पे चलना चाहिए सिस्टम, स्लो नहीं होना चाहिए सिस्टम का, फलानी चीज़ नहीं, दीज आर ऑल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। क्लियर हो रही है बातें, हम आगे चलें। सवाल पूछ लिया जाए फंक्शनल क्या होता है, नॉन फंक्शनल क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। आपसे पूछ लिया जाए कि जनाब फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्यों बिजनेस ऑब्जेक्टिव से ट्रेस होनी चाहिए, तो इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। ये देख लीजिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट नॉन फंक्शनल क्या चीज़ होती है, ज़रा पढ़ लीजिए उसको, देख लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसको आई हैव ऑलरेडी डन दैट, तो देख लीजिए फिर हम आगे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि रिक्वायरमेंट, थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया, अब हम समझते हैं कि अच्छी रिक्वायरमेंट लेंगे कैसे। पहले तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी वाला जो लेफ्ट वाला पार्ट है, ये रिक्वायरमेंट जो आपने डायग्राम देखी थी, सर ने दिखाई थी रिक्वायरमेंट वाली, ये वो वाली है, ये वाली है जो देखें ना आप, ये रिक्वायरमेंट है, ये डिज़ाइन डेवलपमेंट टेस्टिंग है। इसके साइज़ को मत देखिए, लेकिन अभी समझिए जो हमने पहली डायग्राम देखी थी, रिक्वायरमेंट, फिर एक लकीर बनाई थी सर ने, डिज़ाइन डेवलपमेंट टेस्टिंग। अब रिक्वायरमेंट कैसे ली जाएगी, पहले तो मैं मीटिंग करूँगा। इलस्ट्रेशन का मतलब क्या है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग नहीं होती, इलस्ट्रेशन है। मीटिंग करूँगा, सवाल करूँगा, पूछूँगा, फिर उस पर एनालिसिस करूँगा, फिर उसको SRS बनाऊँगा, या बनाने के बाद मैं कस्टमर को भेजूँगा, कस्टमर को भेज के बता पूछूँगा कि जनाब ये रिक्वायरमेंट सही है गलत है, कुछ रह तो नहीं गया। वो रिक्वायरमेंट साइन ऑफ होगी तो फिर डिज़ाइन डेवलपमेंट टेस्टिंग में होगी। तो रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट एक अलग काम है, रिक्वायरमेंट को मैनेज करना। फॉर एग्जाम्पल मैं डिवेलप कर रहा था, कस्टमर ने कहा ठहरो ठहरो मैं नहीं बताना भूल गया, तो इस वक्त चेंज करना जो है ना वो मुश्किल काम है, क्योंकि उसकी डिज़ाइन हो चुकी है और डेवलपमेंट में चेंज करेंगे तो वो रिक्वायरमेंट में है नहीं, और यहाँ आप चेंज करवा देंगे तो ट्रेस नहीं रहेगा। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये ट्रेस नहीं रहेगा, रिक्वायरमेंट को ट्रेस होना चाहिए डिज़ाइन को, डिज़ाइन को ट्रेस होना चाहिए डेवलपमेंट को, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ रही है, और फिर ये नज़र आ रहा है कि प्रोसेस बहुत मेच्योर है। हम ऐसा नहीं है कि रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, रिक्वायरमेंट तो ले रहे हैं, लेकिन चार स्टेप नज़र आ रहे हैं, मीटिंग, एक से ज़्यादा मीटिंग, फिर उस पर एनालिसिस, फिर उस पर स्पेसिफिकेशन, और फिर उस पर वैलिडेशन। तो पॉसिबिलिटी है कि रिक्वायरमेंट अच्छी मिलेगी। अच्छी से क्या मुराद है, कंप्लीट होगी, इनकंसिस्टेंसी नहीं होगी और कोई एम्बिगिटी नहीं होगी, ठीक है ना। बताने वाले को भी पता है और सुनने वाले को या डॉक्यूमेंट करने वाले को भी पता है कि इसका क्या मतलब है। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट नॉलेज की वजह से, डिफरेंट बैकग्राउंड की वजह से हमें समझ में ही नहीं आएगा कि कस्टमर क्या कह रहा। तो दैट विल बी ए बेटर रिक्वायरमेंट। जब बेटर रिक्वायरमेंट होगी तो पॉसिबिलिटी के सॉफ्टवेयर अच्छा होगा, एरर कम होंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। याद आ रही है, रिक्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स होती है, मल्टी डायमेंशन होती है, और लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझना, तो अब जितनी डोमेन की अच्छी नॉलेज होगी उतना अच्छा आप डॉक्यूमेंट बना पाएंगे, जितना अच्छा डॉक्यूमेंट बना पाएंगे उतना आप कस्टमर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट टीम उतना अच्छा सॉफ्टवेयर बना पाएगी। क्लियर हो रही है, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ में आ रहा है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होती है तो आप बता सकें जनाब, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग दो तरह से होती है, रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट करते हैं और ये काम करते हैं, और फिर जब ये बना देते हैं तो फिर ये आप उसमें जर्सी होते हैं, कम्युनिकेट का मतलब है जर्सी होते हैं, यहाँ से उठा के कोई कम्युनिकेट करेगा, ये इसको कम्युनिकेट करेगा, इसको कम्युनिकेट करेगा, तो जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी उतना अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। ट्रेसेबिलिटी, अभी बहरहाल मैंने वर्ड यूज़ कर लिया, लेकिन बहरहाल इसको आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज ट्रेसेबिलिटी, ठीक है, इसी डायग्राम में शायद हम बताएंगे आपको कि ट्रेसेबिलिटी क्या चीज़ है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। पढ़िए ज़रा, ठीक है। अब पहली चीज़ क्या है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव समझना ज़रूरी है। आखिर यानी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल पे नहीं जाएंगे,
पहले पूछेंगे हमें बुलाया क्यों गया है, हमें क्यों इतने पैसे और टाइम दिया जा रहा है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सेल्स की टीम ने या चेयरमैन साहब ने बताया कि भाई सेल्स इंक्रीज करनी है। तो आप जो डेवलपर है वो सोचेंगे यार मैं तो डेटाबेस और स्क्रीन बनाता हूँ, मेरा सेल्स है इंक्रीज करने से क्या काम है, ठीक है। लेकिन बिजनेस एनालिस्ट और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग ऐसा नहीं सोचेगा, वो कहेगा अच्छा आपका प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करना है, ठीक है। तो बिजनेस एनालिस्ट तो प्रॉब्लम को ही सॉल्व करता है, ठीक है ना, थ्रू ऑटोमेशन। तो ठीक है, तो वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को समझेगा, डोमेन को समझेगा, ठीक है, फिर कहेगा अच्छा आपको ये चीज़ें चाहिए, इससे मेरा मसला हल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ रोक के आपको थोड़ी सी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का एक थोड़ा सा बता दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए सर क्या कह रहे हैं। बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है और सोल्यूशन क्या होता है। अभी ज़रा ऑटोमेशन को रोक देते हैं, ठीक है, गिव मी 2 मिनट्स ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। हालांकि इसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। एज्यूम के मैं कारपेंटर हूँ, मैं बीए हूँ, मुझे रिक्वायरमेंट बता रहे हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन। अभी तरह एग्जाम्पल समझने के लिए, मैं कारपेंटर हूँ और अ मदर कॉल्ड मी एंड सेड आई नीड अ टेबल फॉर माई किड्स टू स्टडी, यानी बच्चों के पढ़ने के लिए एक टेबल बनानी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चों के पढ़ने के लिए टेबल नहीं है, ठीक है। टेबल मिल जाएगी तो बच्चे पढ़ेंगे और उस पर फोकस कर सकते हैं। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों के पढ़ने की टेबल नहीं है और बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल होती है, ओके। तो अगर मैं रिक्वायरमेंट सुनूंगा कि कितनी बड़ी टेबल चाहिए, डिजाइन क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, और मैं बना के दे दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव को फोकस करूंगा तो मैं देखूंगा कि क्या देना है। तो मैं उनसे पूछूंगा डू यू हैव अ डाइनिंग टेबल, तो कहेगी हाँ है, तो मगर उसमें खाना खाते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, अगर खाना खाते हैं आप 3 वक्त, तो ऐसा हो सकता है कि आप 6 बजे से 8 बजे तक पाबंदी लगा दें, जिसने खाना है वो 6 बजे से पहले खा ले, दोपहर का खाना भी जल्दी होता है, रात का खाना 8 बजे के बाद ही होता है, ठीक है। या कल्चर डिसिप्लिन कर लें, जिसको भूख लगनी है वो कहीं और जाके खा ले। तो 6 बजे से 8 बजे तक पाबंदी लगा दें इस टेबल पे, और उस वक्त बच्चे पढ़ लें। अब ये डिसिप्लिन से मसला हल हो सकता है, बस समझ में आ रही है। फंक्शनैलिटी या टेबल तो दी जाए, लेकिन टेबल दिए बगैर भी ये मसला हल हो सकता है। तो बिजनेस एनालिस्ट या रिक्वायरमेंट इंजीनियर ऑर्गेनाइजेशन के मसले हल करता है, क्या देना है और क्या नहीं देना है, क्या फंक्शनैलिटी देनी है और क्या नहीं देनी है। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप यू एनालाइज, ठीक है ना, तो एनालाइज करते हैं आप। तो ऑब्जेक्टिव्स के साथ जाना जरूरी है, नीचे से ऊपर जाना जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो रही है बात भाई, आई किसी को? समझ में नहीं आई, चलिए आगे। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव जाएंगे, फिर बिजनेस ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई करेंगे किसे, डिपार्टमेंट के लोगों से, स्टेक होल्डर से, और फिर जाएंगे यूजर के पास कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। चलिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया, यस यस आना शुरू हो गया, बट आप यस कहेंगे तो मेरी समझ में आएगा कि हाँ समझ में आ रहा है, अगर आप चुप रहेंगे तो, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं है ना, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, ऊपर से नीचे आएंगे, पहले स्पॉन्सर के पास जाएंगे। तो अब आपको ही समझ में आ रहा है कि रिक्वायरमेंट के 3 लेवल होते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट एक अलग चीज़ है, लेकिन उनसे ऊपर डिपार्टमेंट के या स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन उससे ऊपर जिस आदमी ने आपको बुलाया है, पैसे दे रहा है, वो मसला हल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ ज़रा रोकते हैं, मुझे स्पॉन्सर ने बुलाया है कि सेल्स का सिस्टम चाहिए और मैं आपको 25 लाख रुपए दे रहा हूँ और 4 महीने दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब 4 महीने बाद मैंने यूज़र से मिलके सिस्टम बना दिया, सिस्टम चल रहा है, यूज़र सेटिस्फाइड है, और मैंने लगा दिया और चला दिया, 25 लाख रुपए भी ले लिए और 6 महीने लग गए सिस्टम बनाने में, इम्प्लीमेंट करने में। अब सिस्टम चलने के 2 महीने बाद, यानी 8वें महीने, चेयरमैन कह रहे हैं सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही। तो आपके ख्याल में वो 25 लाख और 6 महीने की इन्वेस्टमेंट से
कस्टमर तो जो यूजर है वो कह रहा है जो मैंने बताना था वो बता दिया और उन्होंने मुझे वो दे दिया है, लेकिन सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही है। तो डू यू थिंक कि इसने कोई फायदा पहुंचाया ऑर्गेनाइजेशन को? मैं तो कहूंगा जो मांगा था आपने मैंने दे दिया, जो आपने हमारे यूजर ने बताया था वो मैंने आपको दे दिया, लेकिन जो सेल्स वाला जो चेयरमैन है वो कह रहे हैं सर साहब सेल्स तो इंक्रीज हुई नहीं, इसलिए कि मैंने दरमियान में स्टेक होल्डर से पूछा ही नहीं था, डिपार्टमेंट हेड से उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैं तो डायरेक्टली पहुंच गया था किसके पास। तो डू यू थिंक ये सिस्टम किसी फायदे का होगा ऑर्गेनाइजेशन में? वो दोबारा मुझे बुलाएगा, बिजनेस देगा नहीं देगा? कोई समझता है दोबारा बिजनेस मिलेगा मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन से या नहीं मिलेगा? चलिए क्या जवाब आ रहा है जी, नहीं मिलेगा। हाँ बात तो दुरुस्त है, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब क्यों नहीं मिलेगा, इसका मतलब है सॉफ्टवेयर एक सोल्यूशन है, ऑटोमेशन एक सोल्यूशन है, ठीक है ना। इसलिए नहीं बुलाया था आपको कि आप मुझे ऑटोमेट कर दें, वो पुराने जमाने में होता था, लेकिन आजकल की जो एक्सपेक्टेशन है कस्टमर की वो ये है कि आप हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये बात समझ में आ रही है, इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छोटा लाइफ साइकिल होना चाहिए, जल्दी जल्दी सॉफ्टवेयर होना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए कस्टमर।